हेलो फ्रेंड, शाही पनीर बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम काजू, एक टमाटर, आप दो भी ले सकते हैं, दो प्याज, 15 काजू के दाने, अदरक, 15 लहसुन के कले, एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, लौंग, कबाब चीनी, दालचीनी, मिर्च और शाही जीरा, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, कस्तूरी मेथी और नमक, ये मलाई, घी और दही। अब हम बनाना शुरू करते हैं। पैन गरम हो चुका है, अब इसमें घी डाल देंगे, थोड़ा सा ही घी देना है। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे, पनीर को बस हल्का सा सॉफ्ट करना है, ज़्यादा भूनना या लाल नहीं करना है, बस सॉफ्ट कर लेना है। पनीर सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेंगे, फिर पैन में घी डालेंगे। हमने जो सामग्री तैयार की थी अब वो डाल देंगे, सबको इसमें डालकर हल्का सॉफ्ट होने तक भूनना है। इसको अच्छे से चलाते रहना है, बस सॉफ्ट करना है, ज़्यादा लाल नहीं करना। देखिए सॉफ्ट हो चुका है, अब देख सकते हैं। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, अब इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। ठंडा हो चुका है, अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है, अब हम मिक्सी में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। बारीक पेस्ट बनाना है, इसमें थोड़ा पानी भी डाल देंगे ताकि इसका पेस्ट अच्छे से बन जाए। ये देखिए हमारा पेस्ट बन के तैयार है, हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब ये बचे हुए मसाले से अब हम बनाना शुरू करते हैं। पैन गरम हो चुका है, अब हम इसमें घी डाल देंगे, आप चाहे तो रिफाइंड या सरसों तेल में भी बना सकते हैं। ये शाही पनीर है इसीलिए यहाँ पे मैंने घी लिया है। ये गरम हो चुका है, अब हमने जो फोरन तैयार की थी वो सब इसमें डाल देंगे, इसे अच्छे से पका देंगे। अच्छे से चलाकर लाल होने तक पकाना है। देख सकते हैं इसका कलर, ये पक चुका है। अब हम इसमें पेस्ट जो तैयार किए थे वो डाल देंगे। अब इसे अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, अब इसे ढक देंगे और पकने देंगे। दो दो मिनट पे इसे चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब कश्मीरी मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, ये तीनों चीज़ इसमें डाल के मिक्स कर देंगे और फिर इसे ढक देंगे। हमें इसे दो दो मिनट पे पकाते रहना है, दो दो मिनट पे फिर चला देना है ताकि ये जले ना। ये आधा पक चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर। इसे ढक के अच्छे से पकाना है, तब तक हम दही में धनिया पाउडर मिक्स कर देंगे ताकि दही फटे ना। धनिया पाउडर दही में अच्छे से मिक्स कर देना है और थोड़ी देर के लिए रख देना है। मिक्स हो चुका है, अब हमें ये देख लेना है, देख सकते हैं
का भूज चुका है। अब हम इसमें दही का जो पेस्ट तैयार किए थे वो डाल देंगे और इसको अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे। इसे ढक के पकाएंगे, थोड़ी थोड़ी देर से चलाते रहना है, नहीं तो ये जल जाएंगे। अब हम इसमें मलाई डाल देंगे। हमने 2 चम्मच मलाई लिया था और कस्तूरी मेथी डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर देना है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे ढक देंगे, फिर थोड़ी देर में इसे देखेंगे। मसाला अच्छे से भुजा चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर। अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। पनीर को बस 1 मिनट तक चला के भूजना है। देख सकते हैं आप, ढक देंगे, फिर थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना ताकि ये जले ना। देख सकते हैं कढ़ाई से तेल निकलना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध हमें 2 कटोरी डालना है। आप अपने ग्रेवी के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। हम इसे अच्छे से चला के मिक्स कर देंगे। अब गरम मसाला ऊपर से डालकर इसे अच्छे से थोड़ा सा हल्का हल्का चलाना है और इसे ढक देना है। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट में फिर से हम चेक करेंगे। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ये बन चुका है हमारा शाही पनीर, बन के तैयार है। हम इसे ढक देंगे, थोड़ा और पकने देते हैं। हमारा बन के तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम इसे अब अच्छे से सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा बना है, देखिए कितना अच्छा बना है और बहुत